हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाले नए नए वीडियो की जानकारी मिलती है। साथियों, आज हम लोग जनगणना 2011 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और तथ्य रखे गए हैं। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपने पहले पढ़ा तो ये आपका क्विक रिविजन भी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब की गई? तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय। देश में नियमित जनगणना कब की शुरुआत हुई? 1881 ईस्वी में लॉर्ड रेपन के समय। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब की गई? तो 1951 ईस्वी में। जनगणना का महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? तो 1921 ईस्वी को। क्या बात है साथियों, उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो उस समय महामारी और अकाल पड़ा था, जिसके कारण काफी संख्या में मृत्यु हो गई थी। तो उस समय जनसंख्या घट गई थी, इसलिए इसको जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष बोला जाता है, 1921 ईस्वी को। जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? तो 1951 ईस्वी को जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। इस समय जनसंख्या वृद्धि दर अधिक थी। यहाँ पे ध्यान देना साथियों, महान विभाजक वर्ष में 1921 ईस्वी है, जो कि छोटी संख्या है, और लघु विभाजक वर्ष में 1951 है, जो कि बड़ी। फिर नेक्स्ट, जनगणना का समय क्या है? तो प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती है। जनगणना के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो डेमोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना का क्रम क्या था? तो यह जनगणना जो 2011 की हुई थी, देश की 15वीं जनगणना थी, और स्वतंत्र भारत में देखा जाए तो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। फिर आता है, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब 2011 की जनगणना में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो साथियों, इसमें 29 प्रश्न पूछे गए थे। ये प्रश्न क्या होते हैं, मतलब जैसे भी जो जनगणना करने वाले कर्मचारी आते हैं, तो वो आपके बारे में जानकारी पूछते हैं कि किस धर्म से हैं, क्या एजुकेशन है, घर में कितने मेंबर हैं, कितने उम्र के। तो ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं वही प्रश्न है। तो 29 प्रश्न पे जानकारी इकट्ठा की गई थी। फिर आता है, जनगणना का शुभंकर क्या है? तो प्रगणक शिक्षिका। नेक्स्ट, प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? तो W. Pladen। इसको साथियों याद रख लीजिए, 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? R. A. Gopal Swamy। ये 1949 से 1953 तक थे। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब की गई शुरुआत? तो 1931 ईस्वी में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। 2011 में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी साथियों? तो ये 2011 के जनगणना के समय भारत की जनसंख्या थी 121.08 करोड़। इसकी पूरी संख्या को साथियों याद रख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी। तो इसको 1,21,08,54,977, ये पूरी संख्या याद रख लीजिएगा साथियों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल एक एक नंबर पे। नेक्स्ट, भारत में विश्व जनसंख्या कितना परसेंट भाग रहता है? तो 17.5% भाग विश्व जनसंख्या का भारत में निवास करता है। पुरुष जनसंख्या कितनी है? तो 62.32 करोड़। अगर ये परसेंटेज में देखा जाए तो कुल जनसंख्या के 51.47% है। वही अगर महिला जनसंख्या की बात करें तो महिला जनसंख्या 58.75 करोड़ है, परसेंटेज में 48.53। नेक्स्ट, 10 की वृद्धि दर क्या रही? बहुत बार एग्जाम पूछा गया, 17.7% 10 की वृद्धि रही। वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो 1.64%। कुल साक्षरता दर 73% रही। इसमें अगर पुरुष साक्षरता दर देखी जाए तो 80.9% और महिला साक्षरता दर देखी जाए तो 64.6% रही। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात साथियों 943 रहा, यानी कि प्रत्येक 1,000 पुरुष पे 943 महिलाएं। वहीं शिशु लिंगानुपात बात करें, यानी कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के, तो टोटल शिशु लिंगानुपात 919 रहा। जनसंख्या घनत्व की क्या, जनसंख्या घनत्व क्या रहा? तो जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा। जनसंख्या घनत्व क्या था साथियों, कि 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग निवास करते हैं उसको जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में अगर देखा जाए तो 382 व्यक्ति निवास कर रहे हैं वर्तमान में भारत में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल, 1,084, यानी कि यहाँ पे महिलाएं ज्यादा है पुरुषों की तुलना में, 1,000 पुरुष पे 1,084 महिलाएं हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, 879। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला अगर केंद्र शासित राज्य की बात करें तो पुडुचेरी है, 1,037, और वही न्यूनतम लिंगानुपात में केंद्र शासित राज्य की बात करें तो दमन और दीव है। ये जो केरल हरियाणा ये राज्यों में है, और पुडुचेरी दमन दीव ये केंद्र शासित राज्य में है, 618 दमन दीव में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात की है तो बिहार में कितने, यानी कि प्रत्येक किलोमीटर 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? तो 1,106 लोग रहते हैं बिहार में जनसंख्या घनत्व। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे 17 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में। सर्वाधिक जन घनत्व वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो केंद्र शासित राज्यों में दिल्ली सबसे अधिक, यहाँ पे 11,320 लोग 1 किलोमीटर एरिया में रहते हैं, जो कि राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में सबसे अधिक है। न्यूनतम जनघनत्व केंद्र शासित राज्य में देखा है तो अंडमान निकोबार की है, केवल 46 व्यक्ति 1 किलोमीटर में रहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश, इसकी जनसंख्या है 19.98 करोड़, लगभग 20 करोड़। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य देखा सिक्किम, इसकी टोटल जनसंख्या है 6.11 लाख। अगर साथियों सर्वाधिक जनसंख्या में केंद्र शासित राज्य की बात की जाए तो दिल्ली है, 1.67 करोड़, और वही न्यूनतम जनसंख्या
जनसंख्या में केंद्र शासित राज्य देखा जाए तो लक्षद्वीप है, जिसकी जनसंख्या लगभग 60,000 है। एकमात्र राज्य जहाँ पे जनसंख्या घटी, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, वीवीआई, वेरी इंपॉर्टेंट। नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे 2011 की जनगणना में जनसंख्या घटी है, वो भी 0.6%, यानी पिछले जो जनसंख्या थी इसकी उससे 0.6% कम हो गई है इसकी जनसंख्या घटी नागालैंड की। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो केरल, यहाँ पे 94% लोग शिक्षित है। न्यूनतम साक्षरता देखा है तो बिहार, यहाँ पे 61.8% ही शिक्षित है। महिला साक्षरता में न्यूनतम बात किया तो वो भी बिहार राज्य में ही है, 51.5% न्यूनतम साक्षरता महिलाओं की। सर्वाधिक साक्षरता केंद्र शासित राज्य में बात करें तो केंद्र शासित राज्य में सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप की है, 91.8%। वहीं न्यूनतम साक्षरता की केंद्र शासित राज्य में बात की जाए तो न्यूनतम साक्षरता दादर नगर हवेली की है, 76.2%। और अधिक जनसंख्या वाला जिला देखा जाए तो थाड़े, महाराष्ट्र का थाड़े जिला है पहले स्थान पे। सेकेंड नंबर पे देखा जाए तो उत्तरी 24 परगना है, ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो ये अधिक जनसंख्या वाले दो जिले हो गए। वहीं कम जनसंख्या वाले दो जिलों पे देखा जाए तो दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश की है, और सेकेंड नंबर पे अंजाव, ये भी अरुणाचल प्रदेश का जिला है। सबसे अधिक जिला वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। साथ ही इसमें जितने प्रश्न है सभी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपको ये क्विक रिविजन काम आएंगे एग्जाम से पहले। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ताज स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।